नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष महान सिंगर यशोदास जी के 83rd बर्थडे पर एज ऑन 10th ऑफ जनवरी 2023 में ये लेक्चर बना रहा हूँ, उनको समर्पित कर रहा हूँ। जी हाँ, यशोदास जी जो कि हमारे लिविंग लेजेंड हैं और उनका साया आज भी हम पर बरकरार है, ये हमारी खुशनसीबी है। अगर वॉइस की सॉफ्टनेस की बात की जाए, क्लासिकल तत्वों की बात की जाए या फिर रोमांस की बात की जाए आवाज़ में, तो सबसे पहले यशोदास जी का नाम हमारे जहन में आता है। तो वॉइस कल्चर ऑफ यशोदास जी, 5 गाने 5 अलग अलग रागों पर आधारित 5 ही कंपोज़र्स के ये नगमे आज यशोदास जी से मैं लिंक करता हुआ आपको बताऊंगा। लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इन चीज़ों पर लेक्चर्स तो दूर की बात, आपको सोचने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। तो मेरी कोशिश है कि हमारे शास्त्रीय संगीत को लिंक करते हुए हमारे जो लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनको हम याद करें और उनको हम एक समर्पित भाव से उनके गीत का भी रियाज करें। तो पहला गीत जो मैं ले रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा उनके वॉइस कल्चर का तत्व, वो है सॉफ्टनेस इन वॉइस। देखिए, रफ़ी साहब के वॉइस कल्चर की चर्चा की मैंने, उससे पहले मैंने एक जर्नल लेक्चर बनाया था वॉइस कल्चर का बहुत सारे सिंगर्स पर, ये ज़रूर देखिएगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा वॉइस कल्चर का। जस्ट फॉर योर सेक ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन, कंठ संस्कार, प्रॉपरली ट्रेंड वॉइस जो कि संगीत उपयोगी हो, जो कि संगीत में काम ली जा सके या फिर जो संगीत की जो वर्थनेस है, गुणवत्ता है, उसको बढ़ाए, तो वो काम यशोदास जी ने किया है और आज भी हम गदगद हो जाते हैं जब भी उनके गीत सुनते हैं। तो जो मैं पहला गीत ले रहा हूँ जिसमें मैं उनकी आवाज का एक तत्व सॉफ्टनेस को मैं बताऊंगा, राग मिश्र पीलू पर आधारित है दोस्तों। इस गीत की खासियत क्या है, आवाज़ में सॉफ्टनेस के साथ साथ मद्र सप्तक का जो एलिमेंट मिक्स होता है यशोदास जी का, वो उनको यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है। कैसे, इस गीत के जरिए। राग मिश्र पीलू इल्ला राजा साहब की कंपोजिशन, सदमा मूवी आई थी आपको ध्यान होगा, एक लोरी है ये दोस्तों। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, तो देखिए आप, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। लोरी में अगर सॉफ्टनेस ना हो तो ये गाने की जो मूल आधार, जो मैं कहूँगा पृष्ठभूमि है, वही नष्ट हो जाएगी। तो इस गाने को यशोदास जी से अच्छा और कोई गा नहीं सकता था, ऐसा मेरा मानना है। निंदिया की उड़ते पाखीरे, मिक्सिंग ऑफ मद्र सप्तक। निंदिया की उड़ते पाखीरे, अखियों में आ जा साथी रे। सो सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया की उड़ते पाखीरे, अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारू और रारी रो, पीलू का असर इल्ला राजा जी ने यशोदास जी की आवाज़ में प्रयोग किया। तो पहला पैमाना आपको बताया, द सॉफ्टनेस इन वॉइस कपल्ड विद द स्ट्रॉन्ग खरज मेक हिम अ यूनिक पर्सनैलिटी। सो वॉइस कल्चर के पहले एलिमेंट में द सॉफ्टनेस इन वॉइस थ्रू द सॉन्ग सुरमई अखियों में, मैंने आपको एग्जाम्पल दी। तो दूसरा जो मैं पैमाना ले रहा हूँ दोस्तों, क्लासिकल टच इन वॉइस, और उसमें भी देखिए ठुमरी अंग में आपको बताऊंगा क्योंकि क्लासिकल से ही निकली हुई ये चीज़ है दोस्तों, ठुमरी। तो आप देखिए, क्योंकि पहले ध्रुपद गायकी, ख्याल गायकी, ख्याल गायकी के बाद ठुमरी गायन का काफ़ी प्रचार हुआ, तो यशोदास जी की आवाज़ में एक जो मैं कहूँगा एफर्टलेस मुर्कियाँ जो आती थी, जो आप कर्ण स्वर सुनते थे, वो इस गीत के जरिए मैं बताऊँगा। राकेश रोशन जी ने राग सिंध भैरवी का प्रयोग करते हुए स्वामी मूवी में कौन सा गीत गवाया था, का करूं सजनी आए नबालम, का करूं सजनी आए नबालम। जो मैं ठुमरी अंग की बात कर रहा हूँ, सजनी आए नबालम,
खोज रही है पिया परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां, आए ना बालम का करूं सजनी, आए ना बालम। सो आप देखिए इसमें जो मैंने ठुमरी अंग बताया, सजनी आए ना बालम, तो ये दूसरे गीत के थ्रू मैंने बताया था क्लासिकल टच इन वॉइस। डिस्कस कर रहा हूँ वॉइस कल्चर के वेरियस पैमाने, पांच पैमाने बता रहा हूँ, है ना। पहला सॉफ्टनेस इन वॉइस, जिसमें मैंने आपको बताया सुरमई अखियों में। सेकंड क्लासिकल टच इन वॉइस, है ना, पांच ही राग और पांच ही अलग अलग कंपोजर्स, ठीक है। तो ये दूसरे कंपोज़र हमारे महान राकेश रोशन जी ने किस प्रकार प्रयोग किया हमारे येसुदास जी की आवाज़ का। तो तीसरी जो मैं कंपोजिशन आपको ले रहा हूँ, जो खुद ही बहुत बड़े फैन थे येसुदास जी के, जिन्होंने कहा था कि अगर मेरी आंखों की रोशनी आ जाए तो सबसे पहला चेहरा जो मैं देखना चाहूँगा वह है येसुदास जी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे दादू जी की, रविंद्र जैन साहब की, जिन्होंने चित्तचोर मूवी में ये गीत कंपोज किया, यमन कल्याण पर आधारित। तो कौन सा पैमाना मैं ले रहा हूँ इसमें दोस्तों, एफर्टलेसनेस। आप देखेंगे येसुदास जी की जो मुर्गियाँ आती हैं, जो उनके आप मेंड के जो एलिमेंट्स देखेंगे अलग अलग सिंगिंग में, वो बहुत एफर्टलेस तरीके से आते हैं। आपको लगेगा नहीं कि ये मुर्गी निकल गई, लेकिन आप रियाज करेंगे तो आपको पता चलेगा बड़ी खतरनाक मुर्गी है। भूल ना जाना, सीधा एफर्टलेसनेस। मेरा मेरा प्यार ना विसराना, यमन कल्याण माशुद विसराना। बहुत सुंदर सरगम है इसमें, निरेगा रेगा पागरे ससानी पापा मारेगा सानी सागा पामा पा। तो तीसरा गीत मैंने आपको बताया कि एफर्टलेसनेस जो गायकी में थी येसुदास जी के, जो हमें देखते ही आज भी हमें एक प्रेरणा का स्रोत वो हमारा काम करती है। तो रविंद्र जैन जी की ये कंपोजिशन यमन कल्याण पर आधारित। तो चौथी जो मैं कंपोजिशन ले रहा हूँ दोस्तों, सलील दा की रचना है, और इस पे मैंने लेक्चर भी बनाया, देखिए आपको दिख रहा है, खमाज और झिंझोटी की लड़ाई सलील दा ने रचाई। कैसे रचाई? येसुदास जी के थ्रू, जिसमें कौन से पैमाने की बात कर रहा हूँ, जो ऑर्नामेंट्स थे उनके बहुत ही प्लीजिंग लगते थे, द प्लीजिंग ऑर्नामेंट्स, और उसमें नी सा गामा पनी सारे गा। आप इसमें सारे ग में आप मींड देखिए, सारे ग सुनिएगा, नी सा गामा पनी सारे ग आ रे मितवा, जन्म जन्म से है हम तो प्यासे आ संग मेरे गा, नी सा गा मा पनी सारे गा। सो आप देख रहे हैं प्लीजिंग ऑर्नामेंट्स, चौथा पैमाना इस गाने के थ्रू, झिंझोटी और खमाज का प्रयोग सलील दा द्वारा येसुदास जी की याद में मैंने ये प्रस्तुत करने की कोशिश की, उनकी जो क्वालिटी है सिंगिंग की वो बताने की कोशिश की। फिफ्थ सॉन्ग जो मैं ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया पांच ही रागे लूँगा, पांच ही कंपोजर्स लूँगा, लेकिन जो पैमाना येसुदास जी का है वो सेम रहेगा। उसमें द रोमांस इन वॉइस, है ना, येसुदास जी का जो एलिमेंट है वो तो फिक्स है, लेकिन उसके उनके जो गाने के अंग हैं वो बहुत विभिन्न है। तो विभिन्न अंगों में से ये पांचवा अंग वॉइस कल्चर का कौन सा, द रोमांस इन वॉइस, और उसमें उषा खन्ना जी द्वारा राग भीम पलासी का ये गाना, पनी सा मा गरे सा नि सा गा मा पा गा मा गरे सा, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए,
मुर्गी में ही आपको ऐसा लगेगा कि एक रोमांटिक वाली फीलिंग आ रही है। देखिए आप, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े मिंड भी है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर भीम पलासी का प्रयोग है। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उषा खन्ना जी को भी, जिन पर देखिए मैंने लेक्चर बनाया है, राग बेस्ड सॉन्ग्स ऑफ उषा खन्ना जी। रविंद्र जैन साहब दादू पर भी लेक्चर बनाए हैं, उससे पहले आप देखेंगे सलील दा की जो रचनाएं हैं उन पर भी मैंने प्रकाश डाला है। सभी का सम्मान करते हुए आप ज़रूर इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा ही होगा दोस्तों। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा इन सारे गानों की संपूर्ण नोटेशन आप प्राप्त कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए। रेट्रो सॉन्ग्स उसके साथ साथ बॉलीवुड सॉन्ग्स के मेरे बैच चल रहे हैं, ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और कौन कौन आप चाहते हैं कि इवनिंग में भी रेट्रो बैच या बॉलीवुड सॉन्ग का एक ऑनलाइन क्लास का बैच स्टार्ट हो लेट इवनिंग में, कई स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि वी आर वर्किंग सो वी वांट टू ज्वाइन इवनिंग बैच, जो कि अभी मेरा चल नहीं रहा लेकिन बहुत जल्द मैं स्टार्ट करूंगा। अगर 20 कमेंट्स मेरे पास आ जाते हैं येस प्लीज़ स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस इवनिंग बैच ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो संगीतमयी सेवा में वो भी स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही आपका प्यार यूँ बना रहे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला और बनता है। लाइक करेंगे तो वीडियो आगे और प्रमोट होगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि ऐसे लेक्चर्स में लाता रहता हूँ। सैल्यूट टू यशोदास जी ऑन हिज 83rd बर्थडे। ओम शांति।